हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका हरियाणा बीएड फर्स्ट ईयर। हम कर रहे हैं पैडागॉजी ऑफ इंग्लिश। बुक है आपकी एस एम आचार्य की। तो जिस भी यूनिवर्सिटी में पैडागॉजी ऑफ इंग्लिश लगा हुआ है, आपका ये सब्जेक्ट है, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। कुछ वीडियोज ऑलरेडी प्ले लिस्ट में है, आप देख सकते हो। ये है हमारी, इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, कि इंग्लिश लैंग्वेज हम जब पढ़ाते हैं इंडियन स्कूल्स में तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था कि ऑब्जेक्टिव और एम में क्या डिफरेंस है। एक बार फिर से हम उसको भी थोड़ी देर में देख लेंगे। और तो स्टार्ट करते हैं। इसके ऊपर जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा आता नहीं है, लेकिन ये आता है मिक्स होके, मतलब कि एम्स एंड ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन साथ में ही आता है हमेशा। स्पेसिफिक एम अलग और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव अलग कभी पूछा नहीं गया है अभी तक, दोनों को मिक्स करके ही क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन में है, गिव अ डिटेल्ड नोट ऑन द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज, कि आपको बताना है कि इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाए जाने का ऑब्जेक्टिव क्या है, स्कूल में बच्चों को क्यों पढ़ाया जाए। ऑब्जेक्टिव एंड एम क्या होता है? एम लॉन्ग टर्म होता है, ऑब्जेक्टिव छोटे छोटे हम पार्ट्स में उसको फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? एक स्टेप होता है, छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं टूवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ द एम, कि एम कंप्लीट करने के लिए छोटे छोटे आप जो अचीव करते हैं, अटेनमेंट है, वो होता है आपका ऑब्जेक्टिव। इनफैक्ट जो ऑब्जेक्टिव है हेल्प्स इन अटेनिंग द एम्स सेट। अगर आप छोटे छोटे पार्ट्स को कंप्लीट करते जाते हो तो आपका जो एम है वो ईजिली अचीव हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका एम है टीचर बनने का, लेकिन छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? आप पहले बीएड करोगे, सीटेट करोगे, देन आप कोई पेपर दे रहे हो, उसका इंटरव्यू हो रहा है, तो इस तरीके से छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव होते हैं। ऑब्जेक्टिव पूरा करके आप एक सीढ़ी कहीं ना कहीं ऊपर पहुंच जाते हो अपने एम के टूवर्ड्स में। तो आप इसमें कोई डेफिनेशन देना चाहो तो दे सकते हो, जैसे कि इसमें ब्लूम की दे रखी है कि ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव आर द डिज़ायर्ड गोल और आउटकम एट विच इंस्ट्रक्शन इज एम। क्या है ये? एक डिज़ायर्ड गोल होता है या फिर आउटकम होता है, किस लिए, किसके टूवर्ड्स में? एम जहाँ पे आपका है, आपका एक गोल होता है उसके टूवर्ड्स में। कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, कुछ विशेषताएं हैं जो होनी चाहिए ऑब्जेक्टिव्स में, कि आपने डिसाइड किया, लेकिन ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया लेकिन उसमें कुछ चीज़ें होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, दे शुड बी स्पेसिफिक एंड प्रिसाइज। कि आप जो भी डिसाइड कर रहे हो कि आपको इतने टाइम में बच्चों को ये सिखाना है, वहाँ पे प्रिसाइज रहो, स्पेसिफिक रहो कि ठीक है मुझे इतने टाइम में क्या पढ़ाना है, टेंस सिखाने हैं। प्रिसाइज रहो कि हाँ इतना ही एरिया कवर करना है, पूरा लेके नहीं चलोगे कि पूरा टेंस नहीं। आप टेंस में भी कोई स्पेसिफिक कर लो कि बच्चों को आज यही पढ़ाना है, बच्चों को 20 दिन में ये पढ़ाना है, एक मंथ में ये उन्हें समझ में आ जाए। दे शुड बी अटेनेबल। अटेनेबल मतलब आप उसे अचीव कर पाओ। ऐसा नहीं है कि आपने सोचा कि मैं बच्चों को एक मंथ के अंदर पूरा ग्रामर पढ़ा दूंगी, पॉसिबल नहीं है। तो वो कैसा होना चाहिए? आपका ऑब्जेक्टिव अटेनेबल होना चाहिए, भाई उस पर यकीन किया जा सके, जो चीज़ें पूरी करी जा सके वैसा होना चाहिए। थर्ड है आपका, दे शुड बी हेल्पफुल इन एक्वायरिंग एम्स। कि आपका जो एम है कि बच्चा फ्लुएंट हो जाए इंग्लिश में, राइटिंग में, लिसनिंग में, इन सभी चीज़ों में, स्पीकिंग में, तो उसको फिल करना चाहिए। ऐसा नहीं आप यहाँ पर बैठ कर, आप बैठ के बच्चों को कुछ और पढ़ा रहे हो, और वो जो आप पढ़ा रहे हो वो कहीं पर भी हेल्प नहीं करेगा। आपका वो जो एम है कि बच्चा फ्लुएंट हो जाए, उसके टूवर्ड्स में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा, तो वो यहाँ पे नहीं होना चाहिए। हमेशा ही वो हेल्प करे एम को अचीव करने में। दिस शुड बी बेस्ड ऑन द साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल। साइकोलॉजिकल मतलब माइंड प्रोसेसिंग हो रही, इन सब चीज़ों पे ध्यान रखा जाए। आप छोटे से बड़ा लेके चल रहे हो, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स पे लेके चल रहे हो, बच्चे को जो आता है आप वहाँ से लेके चल रहे हो, बच्चे को वहाँ से उठा रहे हो, और जो आपका एम है वहाँ पर लेके जा रहे हो, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स लेके जा रहे हो। दे शुड बी लेट टू द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट्स बिहेवियर फॉर द बेटर। ये क्यों होना चाहिए? इसका एक बेटर ऑब्जेक्टिव का एक क्वालिटी क्या है कि ये इस तरीके से रखा जाए कि बच्चे के बिहेवियर में चेंज किया जा सके। पढ़ाई का मतलब क्या है? लर्निंग क्या है? आपके बिहेवियर में चेंज होगा, बच्चे के बिहेवियर में चेंज हो जाए और एक बेटर वे के लिए। ऐसा नहीं है कि कुछ गलत चेंज हो रहा है, कोई नेगेटिव चेंज हो रहा है, नहीं, पॉजिटिव वे में, फॉर द बेटरमेंट के लिए। नेक्स्ट है इसमें, दे शुड बी इन टर्म ऑफ एक्सचेंज एक्सपेक्टेड इन प्यूपल्स। कि बच्चे में जो चेंज देखने की आपने पहले से प्लानिंग करी है, वही चेंज बच्चे में दिखाई दिया। ऐसा नहीं है आप सोच रहे थे कि बच्चों को ये समझ में आ जाएगा, बच्चों को वो समझ में ही नहीं आया। आपने सोचा कि मैं ये पढ़ाऊंगी तो बच्चे इसमें फ्लुएंट हो जाएंगे, लेकिन बच्चे नहीं हुए। तो इस तरीके से रखा जाए कि वही चेंज बच्चों में दिखाया जाए। एम और ऑब्जेक्टिव में डिफरेंस क्या है? एम क्या होते हैं? जनरल होते हैं और एक ब्रॉड पर्पज़ की बात करते हैं। जैसे मैंने बोला कि बच्चों को फ्लुएंट करना है,
ये एम हो गया। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्या है, स्पेसिफिक होता है करिकुलम में। फर्स्ट क्लास के बच्चों को आप क्या पढ़ाओगे, सीधे इंग्लिश हार्ड तो नहीं पढ़ा सकते, तो आप छोटे छोटे पीसेस में पढ़ाओगे, बिट्स एंड पीसेस में पढ़ाओगे कि अच्छा इस बार हम ये कर लेंगे, छोटे छोटे सेंटेंसेस नाउन प्रोनाउन सीखेंगे, तो धीरे धीरे करिकुलम में ये ऐड होता है। एम क्या है, लॉन्ग टर्म है। ऑब्जेक्टिव क्या है, इमीडिएट वैल्यू है, एक महीने में दो महीने में बच्चे को आया कि नहीं आया आप ऐसे देखते हो। एम में कोई लिमिट नहीं होती है। हमने कहा बच्चे को फ्लुएंट करना है, लेकिन कब तक, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चा हो सकता है ट्वेल्थ तक पढ़े या फिर ग्रेजुएशन तक पढ़े, हमें बच्चे को फ्लुएंट करना है। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्या है, टाइम बाउंड होता है। आपने डिसाइड किया बच्चे को एक मंथ में चीज़ें आ जानी चाहिए। एम क्या है, जनरल होता है कि भाई एक एज अ होल आप लेके चल रहे हो, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्टिकुलर होता है, स्पेसिफिक होता है कि बच्चे को एक मंथ के बाद नाउन समझ में आ जाना चाहिए। एम लॉन्ग टर्म है, ऑब्वियसली बात है। ऑब्जेक्टिव आपका शॉर्ट टर्म है, एम आपका साल दो साल तीन साल चार साल दस साल भी चल सकता है। जैसे आपको टीचर बनना है, ये आपका एम है, कब से चल रहा है, जब से आपने नर्सरी में एडमिशन लिया तब से आपका ये कहीं ना कहीं चल रहा है, आप उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो। ऑब्जेक्टिव क्या है, छोटे छोटे, आपने फर्स्ट करी, टेंथ करी, ट्वेल्थ करी, ऐसे आपने ग्रेजुएशन करी, बी एड कर रहे हो, तो इस तरीके से। अब ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप इंग्लिश को क्यों पढ़ाते हो, डिफरेंट जो लेवल्स हैं उसमें क्यों पढ़ाते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है। तो यहाँ पे दो तरीके के होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्कूल्स। इंडिया में दो तरीके के स्कूल्स हैं, फिर इंग्लिश इज टॉट टू स्टूडेंट, जहाँ पे इंग्लिश बच्चों को पढ़ाई जाती है। फर्स्ट एक स्कूल ऐसा है जहाँ पर इंग्लिश को इंट्रोड्यूस किया जाता है फ्रॉम द बिगनिंग, जहाँ पे बच्चा एंटर करता है वहीं से बच्चे को इंग्लिश पढ़ाई जा रही है। और सेकेंड स्कूल होता है जहाँ पर बच्चे को इंग्लिश के साथ इंट्रोड्यूस किया जाता है सिक्स क्लास में, मतलब प्राइमरी में बच्चे को इंग्लिश नहीं दी लेकिन सिक्स क्लास में बच्चे को इंग्लिश ला के पकड़ा दी। तो दो तरीके के यहाँ पे स्कूल हो जाते हैं, तो दो तरीके के यहाँ पे ऑब्जेक्टिव भी हो जाते हैं। अब जो पहला स्कूल था, मतलब जहाँ पर बच्चे को नर्सरी से ही इंग्लिश में पढ़ाना शुरू कर दिया, जैसे आप ए बी सी डी पढ़ रहे हो, फिर छोटे छोटे वर्ड्स पढ़ रहे हो, बैट है, बॉल है, ये सब पढ़ रहे हो, बच्चे को पढ़ा रहे हो, तो वहाँ पढ़ाने का क्या ऑब्जेक्टिव है। नर्सरी के जी या फिर फर्स्ट स्टैंडर्ड में बच्चे को क्या पढ़ाया जाता है, लिसनिंग और जो स्पीकिंग है इंग्लिश की, ये यहाँ पे मेन चीज़ें होती हैं। बच्चा सुन सके, बच्चे को सुन, आपने बोला बैट, बच्चे को समझ में आए कि बैट बोला गया मतलब क्या बोला गया है, एक बैट की फिगर उसे दिमाग में आ जाए, बच्चा थोड़ा थोड़ा बोल पाए, आप पूछोगे बी फॉर, वो बताएगा बॉल होता है, बैट होता है, तो ये क्या है, बच्चे को प्रोसेसिंग हो रही है माइंड में, ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई जाती है, सिखाई जाती हैं। तो टीचर शुड कीप दिस इन माइंड, कि वो अपने दिमाग में चीज़ें रखे, ही शुड नॉट गिव मोर इम्पॉर्टेंस टू रीडिंग एंड राइटिंग। यहाँ पर बच्चे को रीडिंग और राइटिंग पे ज़्यादा दबाव नहीं देना चाहिए, क्योंकि अभी बच्चा जस्ट प्राइमरी में है आपका, तो इतना फोकस आप उस पर नहीं कर सकते हो, फोर्स नहीं कर सकते हो बच्चे को। मिडिल स्कूल में क्या है, मिडिल या हाई स्कूल लेवल पे क्या है, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, रीडिंग राइटिंग हर एक चीज़ को इम्पॉर्टेंस दी जाती है। हाई स्कूल लेवल पे साइलेंट रीडिंग दी जाती है, टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंस किसको दी थी, साइलेंट रीडिंग, बच्चा साइलेंट रीडिंग करना सीख जाए। ये उस स्कूल की बात हो रही है जहाँ पे बच्चे को नर्सरी से इंग्लिश पढ़ाई जा रही है। लेकिन वहीं पे दूसरा स्कूल जहाँ पर बच्चे को सिक्स क्लास में इंग्लिश से इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, वहाँ पे क्या है कि बिगनिंग में बच्चे को लिसनिंग स्पीकिंग एंड आपकी लाउड रीडिंग पढ़ाई जाती है, प्राइमरी इंपॉर्टेंस इनको दी जाती है, एल एस आर को प्राइमरी इंपॉर्टेंस यहाँ पर दी जाती है। फर्स्ट जो हमारा स्कूल था उसमें एल एस को प्राइमरी इंपॉर्टेंस दी जाती थी कि बच्चा लिसन कर सके और छोटे छोटे वर्ड्स को स्पीक कर सके। सेकेंड टाइप के स्कूल में क्या है, बच्चे को क्या इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, बच्चा लिसन कर सके, स्पीक कर सके और लाउड रीडिंग कर सके धीरे धीरे, लिखना अभी फोकस नहीं किया गया है, लिखना सेवन्थ एट्थ क्लास में बच्चों को फोर्स करके सिखाया जाता है। अलग अलग छोटे छोटे यहाँ पे हमारे एम्स होते हैं, छोटे छोटे गोल्स होते हैं। इसमें क्या बात करी गई है कि बच्चे को जब सिखाया जाता है, टेस्टिमोनी की बात, टैक्सोनॉमी की बात करें, एजुकेशन ऑब्जेक्टिव की बात करें, तो बच्चे का डेवलपमेंट करना है आपको, कैसा बच्चे के बिहेवियर में तीन तरीके का डेवलपमेंट हो जाए, चेंजेस आ जाए। कॉग्निटिव डेवलपमेंट मतलब कि बच्चे के माइंड से रिलेटेड डेवलपमेंट यहाँ पर हो जाए, बच्चे को चीज़ें दिमाग में आने लगे। अफेक्टिव बच्चे की फीलिंग से रिलेटेड होता है। साइकोमोटर मतलब कि बच्चा हाथ से करके देखेगा, लर्निंग बाय डूइंग यहाँ पर हो रही है आप बोल सकते हो, या फिर कोई भी चीज़ जो कि साइकोमोटर से आपके फिजिकल वर्क से करने से रिलेटेड है वो यहाँ पर आता है। अब लिसनिंग की अगर हम बात करें, स्किल इन लिसनिंग, कि अगर लिसनिंग की हमें स्किल डेवलप करनी है तो क्या होगा, द लर्नर इज एबल टू लिसन प्रॉपरली या फिर करेक्टली। अगर बच्चे के अंदर लिसनिंग की हमने डेवलप कर दी स्किल, बच्चा प्रॉपरली सुन पाएगा, बच्चा प्रॉपर सुन पाएगा, तो बच्चा जो है वो एक फुल अटेंशन दे पाएगा लिसनिंग करते हुए, सुनते टाइम प्रॉपर अटेंशन दे पाएगा। द लर्नर इज एबल टू लिसन
फॉर इमिटेशन इन सम वेज, बच्चा जो है इमिटेट भी करेगा सुनते सुनते, लर्नर जो है वो क्या करेगा लिसन करेगा और थोड़ी बहुत चीज़ों के जो आपका अप्रोप्रिएट होगा रिएक्शन वो रिएक्शन भी देगा। अगर हम बात करें स्पीकिंग में कि बच्चे को हमने स्पीकिंग सिखा दी तो बच्चा क्या क्या करेगा, द लर्नर इज एबल टू स्पीक करेक्टली, बच्चा करेक्टली बोल पाएगा विथ प्रोनंसिएशन, उसकी प्रोनंसिएशन सही रहेगी, फ्लुएंटली बोल पाएगा बिना सोचे समझे आराम से बोल देगा, ऐसा नहीं है कि उसके माइंड में कहीं प्रोसेसिंग चल रही ट्रांसलेशन हो रही है। ही इज एबल टू स्पीक बाई यूजिंग द लैंग्वेज विद अ रीजनेबल स्पीड, एक रीजनेबल स्पीड होती है आप उसके पास इंग्लिश बोल पाओ वो इंपॉर्टेंस रखता है। अगर बच्चे के अंदर स्किल आ गई रीडिंग की तो बच्चा क्या क्या कर पाएगा, द लर्नर इज एबल टू रीड वेल विद फुल अंडरस्टैंडिंग, बच्चा जब पढ़ेगा उसको समझ में भी आएगा, ऐसे नहीं कि सिर्फ रीडिंग हो रही है उसे वो चीज़ें समझ में भी आएंगी। ही इज एबल टू रीड लाउडली इफ़ रिक्वायर्ड, वो तेज़ भी बोल सकता है अगर उसे बोला जाए। ही इज़ एबल टू रीड विद गुड स्पीड, वो एक अच्छी स्पीड में भी पढ़ पाएगा अगर उसको जल्दी है वो जल्दी जल्दी भी पढ़ लेगा। एंड ही इज़ एबल टू हैव अ गुड आई स्पैन, आई स्पैन मतलब आप कितनी जल्दी जल्दी आँखें आपकी फिर रही हैं, एक लाइन होती है आप हर एक वर्ड नहीं पढ़ते, आपके माइंड में कुछ चीज़ें फिक्स हो गई, आपकी आँखें बस यहाँ से वहाँ भागती रहती हैं, आप उसे पढ़ते रहते हैं, वो होता है आपका आई स्पैन कि कितनी जल्दी आपकी आँखें आगे बढ़ रही हैं। कॉम्प्रिहेंशन भी है कि कॉम्प्रिहेंशन में बच्चे को क्या होगा, द लर्नर इज एबल टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट मैटर फुली, जब बच्चा कुछ पढ़ेगा उसे वो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ही इज एबल टू गिव सुटेबल हेडिंग ऑफ द पैराग्राफ, अगर बच्चे ने कोई पैराग्राफ पढ़ा है बच्चे को समझ में आ गया है तो वो उसकी एक हेडिंग दे पाएगा कि इस पैराग्राफ में हम ये हेडिंग ऐड कर सकते हैं दे सकते हैं, वो किसी भी सब्जेक्ट मैटर को समराइज कर पाएगा कि एक पैरा पढ़ने के बाद उसमें क्या बताया गया है वो बच्चा आपको बता देगा। ही इज़ एबल टू राइट द सेंट्रल आइडिया, अगर आपने बच्चे को एक पैसेज पढ़ने को दिया और अब आप उससे बोलते हो कि एक सेंट्रल आइडिया बताओ क्या था, तो बच्चा उसके बारे में लिख पाएगा बता पाएगा, क्यों, क्योंकि उसे कॉम्प्रिहेंशन आ गया है, उसको समझ में आने लग गई हैं चीज़ें, और जहाँ पर भी कोई ह्यूमरस चीज़ होगी बच्चा उसको पढ़ के हंसेगा। ये बच्चों को सिखाया जाना चाहिए, ये ऑब्जेक्टिव्स है। एप्लीकेशन क्या होता है, आप उसे यूज़ कर पा रहे हो, बच्चा क्या करेगा वोकैबुलरी को यूज़ कर पाएगा अपने घर पे, जैसे कि आप बच्चा छोटे छोटे इंग्लिश का सेंटेंसेस बोलने लग जाएगा घर पे या फिर किसी को ग्रेट करते टाइम टेलीफोन पर कॉल पर मैसेजेस पर, इस तरीके से बच्चा छोटी छोटी पोएम को रिसाइट कर पाएगा बोल पाएगा इंजॉयमेंट के लिए, पढ़ने के लिए नहीं इंजॉयमेंट के लिए। या फिर हो सकता है कि बच्चा डेली लाइफ में अपने डे टू डे लाइफ में लाइफ सिचुएशन में भी इंग्लिश को यूज़ करने लगे और वो नॉवेल्स पढ़ना शुरू कर देगा शॉर्ट स्टोरीज़ पढ़ना शुरू कर देगा अपने इन्जॉयमेंट के लिए, सिलेबस में लगी है इसलिए नहीं। तो ये होते हैं इंग्लिश पढ़ाने के कुछ ऑब्जेक्टिव, मतलब कि बच्चे को लिसनिंग आ जाए, बच्चे को स्पीकिंग आ जाए, बच्चे को रीडिंग आ जाए, बच्चे को राइटिंग आ जाए, कॉम्प्रिहेंशन आ जाए और एप्लीकेशन आ जाए। सो या आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक शेयर कर सकते हैं, मैं मिलूंगी आपको नई वीडियो में जिसमें हम करेंगे साइकोलॉजिकल सोशल एंड फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ अप्रोच टू लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लैंग्वेज लर्निंग, कि लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है, लैंग्वेज लर्निंग क्या होती है, दोनों में डिफरेंस क्या है, ये भी 16 नंबर का क्वेश्चन आता है, ये करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।